पंजाब दे मालवा खेते खासकर मानसा इलाके दे विच नरमे दी फसल दा गुलाबी सुंडी ने काफी ज्यादा नुकसान कर दिता। इस नूं लै के पंजाब दे नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खेतां दे विच जा के फसलां दा जायजा भी लिया। उस मौके चरणजीत सिंह चन्नी ने गिरदौरी करवाउण तों बाद किसानां नूं मुआवजा देण दा ऐलान कीता सी ते हुण सरकार वल्लों किसानां नूं तीन स्लैबां दे आधार ते मुआवजा देण दा ऐलान कीता है। दसा जा रहा है कि 76% तो ज्यादा नुकसानी की फसल दे लई 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा अते 5,400 रुपए 33% तो लैके 75% तक नुकसानी की फसल लई मुआवजा अते 2,000 रुपए तो लैके 26% तक ते 32% तक नुकसानी की फसल दे लई मुआवजा देण दा सरकार वल्लों ऐलान कीता गया है। ते इह ऐलान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वल्लों अपने ट्विटर हैंडल ते भी कीते गए ने ते उन्हां ट्वीट कीता है। ते इस ट्वीट तो बाद श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान अते साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं मोड़वा जवाब दिता है ते उन्हां लिखिया है कि इह मुआवजा ना काफी है। उन्होंने कहा है कि यह घट है ते बुनियादी लागतां नूं भी यह मुआवजा कवर नहीं करता। उन्होंने कहा है कि अकाली बसपा गठजोड़ सरकार बनदिया ही 50,000 रुपए का मुआवजा सरकार वालों दिता जाएगा। तुहानू फिर तो दस दिए कि मालवा इलाके दे विच खासकर मानसा जिले दे विच नरमे की फसल का गुलाबी सुंडी ने काफी ज्यादा नुकसान कर दिता है ते सरकार वालों किसानां नूं राहत देने दे लई मुआवजे का ऐलान किया गया है ते किसानां नूं यह मुआवजा तीन स्लैबां दे आधार ते दिता जाएगा ते इन्हां तीन स्लैबां दे विच 76% तो ज्यादा होए नुकसान दे लई 12,000 रुपए प्रति एकड़ ते 33% तो 75% तक होए नुकसान लई 5,400 रुपए प्रति एकड़ ते 26% तो 32% तक होए नुकसान लई 12,000 रुपए प्रति एकड़ किसानां नूं मुआवजा देण दा चन्नी सरकार वल्लों ऐलान कीता गया है। लेकिन साबका उप मुख्यमंत्री अते श्रोमणी अकाली दल दे मौजूदा प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करदिआं लिखिआ है कि यह मुआवजा नाकाफी है ते इह घट है ते इह बुनियादी लागतां नूं भी पूरा नहीं करदा। उन्होंने ऐलान कीता है कि जे अकाली बसपा गठजोड़ दी सरकार बनदी है तां 50,000 रुपए मुआवजा दिता जाएगा।